हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल असीर। दोस्तों, ये मेरे पास टेक्नो का की फाइव सेट है, की फाइव जिसे स्पार्क को 2020 बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि चार्जिंग की प्रॉब्लम हो गई, इसमें चार्जिंग नहीं हो रही। कस्टमर ने बोला कि चार्जिंग नहीं हो रही, तो चलिए इसको चेक करते हैं चार्जर लगाकर कि चार्जिंग इसमें हो रही है नहीं हो रही है। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने चार्जिंग कनेक्टर चार्जर लगाया है बट इसमें चार्जिंग नहीं हो रही है। तो चार्जिंग कनेक्टर इसका सही करेंगे और किस तरीके से सही करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका, और यही सब बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने इसके पेज ओपन कर लिए हैं और ये हटा लिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए पीसीबी लगी हुई है, इसमें एंटीना वगैरह लगा हुआ है, ये एंटीना वायर। तो इसको हटाएंगे हम और यहाँ से पट्टा लगा हुआ है इसको बैठा लेंगे, और दो ये वायर लगे हुए हैं ये वाइब्रेशन के, इसको हटा लेंगे यहाँ से सोल्डिंग आयरन से। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने इसको हटा दिया है। अब यहाँ से इसको निकाल लेंगे पीसीबी को। तो फ्रेंड ये देख लीजिए, पीसीबी हमने निकाल ली है। अब हमें इसमें चार्जिंग बनाना है, तो देख पहले चेक करेंगे चार्जिंग कनेक्टर हमारा ठीक है या नहीं है। तो पहले चार्जर लगाकर वोल्टेज चेक करते हैं मीटर से। चलिए फ्रेंड, इसको हम लगा लेते हैं चार्जर। अब फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देख लीजिए, हमने चार्जर लगा लिया है इसमें पीसीबी में। अब इसको हम मीटर को लगा लेंगे वोल्ट पर और इसको चेक करते हैं इसके वोल्टेज। तो फ्रेंड्स, ये कनेक्टर ठीक है, चार्जिंग आ रही है इसमें, कनेक्टर ठीक है। ये तो फ्रेंड्स कनेक्टर लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, इसमें वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो हो रही है ये कैसे हो रही है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। थोड़ा वॉश करते हैं पहले इसको, फिर चेक करते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे हो रही है। तो आईपी से इसको वॉश कर देंगे थोड़ा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये इसमें जो हमको दिख रहा है कार्बन लग रहा है इसमें, इसलिए चार्जिंग हमारी नहीं हो रही है, कनेक्टर ठीक है हमारा। इसको हम रिसोल्ड करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं और पेस्ट लगाकर इसको रिसोल्ड कर देते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए, इसको पेस्ट लगा देते हैं इसमें, थोड़ा पेस्ट लगा दिया है। अब इसको हम सोल्ड कर देंगे, रिसोल्ड कर देंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड चलिए सोल्डर वायर लेकर उसको रिसोल्ड कर देते हैं, रिसोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने इसको रिसोल्ड कर लिया है। अब इसको चार्जिंग पर लगाकर चेक करते हैं। तो चलिए इसको लगा देते हैं और चेक करते हैं। तो चलिए लगा देते हैं, ये इसको लगा देंगे जैसे कि हटाया था हमने इसको। तो फ्रेंड जो एंटीना हटाया था वायर हमने, ये भी लगा देते हैं इसमें। तो पहले फ्रेंड चेक कर लेते हैं चार्जिंग इसकी। तो फ्रेंड्स अब हम चार्जिंग लगाकर चेक करेंगे इसमें। जो हमने कनेक्टर इसका रिसोल्ड किया था, कनेक्टर वही सही था और हमने रिसोल्ड किया, तो उसके बाद इसमें जो है चार्जिंग होना चाहिए क्योंकि हमने कनेक्टर ठीक कर दिया है। तो चलिए चार्जर लगाकर चेक करते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए, ये चार्जिंग होने लगी इसमें। तो फ्रेंड इस तरीके से आप बिना कनेक्टर बदले भी चेक चार्जिंग सही कर सकते हैं। अगर आपका चार्जिंग कनेक्टर ठीक है तो रिसोल्ड कर देंगे उसको, तो चार्जिंग कनेक्टर आपका ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।